देखो जनरली ना एलविश यादव की बात से मैं एग्री करता नहीं हूँ, बट दिस टाइम 1000% एग्री। एंड प्रिंस नरूला यू आर कम्प्लीटली राइट। अभी हुआ क्या है, फैंस आर अपसेट बिकॉज कि भैया मुनावर फारूकी जो है वो नमाज कर रहे हैं घर के अंदर, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट टेलीकास्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एंड एलविश यादव इज कम्प्लीटली राइट। एलविश यादव ने एक बात की थी कि भाई जब मैं वहाँ पे था देन आई वॉज डूइंग पूजा, मैं भाई साहब अपना सारा काम करता था, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था सुबह, मैंने बाहर आके देखा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, कुछ छुपी नहीं दिखाया गया। एंड नाउ अभी दे आर शोइंग नमाज एंड एवरीथिंग। और तब मेकर्स ने क्या बोला था कि भैया अगर हम ये सब कुछ दिखाते थे ना तो बायस हो जाता, क्योंकि फिर एक कम्युनिटी के लोग वोटिंग को उथल पुथल कर देते कि भाई हाँ इनका आदमी तो ना फॉलो करता है रिलीजियस कल्चर एंड ऑल, इस करके नहीं दिखाया। एंड यही बात प्रिंस ने की उस वीडियो कॉल के दौरान, देन ही सेड कि भाई मैं भी करता था, शिव जी की पूजा करता था, पानी डालता था, नहीं दिखाया, हर सोमवार को मेरा जल होता था लेकिन कभी नहीं दिखाया मैंने भी किसी एपिसोड में, बस सेम रीज़न था। लेकिन इस बार बिग बॉस कुछ अलग रीज़न दे रहा है कि चलो कोई नहीं, रिलीजियस है तो कोई नहीं, अब ये चीज़ कल्चर में है तो है। बस जनता आप किस पर राय क्या है, डू लेट मी नो, क्यों हिंदू हो गए खिलाफ हो गए है बिग बॉस।